दुकान मालिक ध्यान दे वरना आपकी दुकानों पर भी लग सकता है ताला। कोरोना वायरस ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देख प्रशासन ने इसे काबू करने का फैसला लेते हुए नियमों को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने बुधवार को नए आदेश को जारी करते हुए कहा कि जिन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, मास्क न लगाया जाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा, उन सभी व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए दुकान को 5 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। सोयाबीन और रिफाइंड सोया तेल चढ़े, धनिया में गिरावट। हाजिर मांग में तेजी के कारण व्यापारियों ने ताजा सौदों की लिवाली की, जिससे वायदा कारोबार में गुरुवार को सोयाबीन की कीमत 26 रुपए की तेजी के साथ 3,778 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। वहीं हाजिर बाजार की कमजोर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को कम किया है, जिससे वायदा कारोबार में बृहस्पतिवार को धनिया की कीमत 44 रुपए की गिरावट के साथ 6,190 रुपए प्रति क्विंटल रह गई। 10,000 स्टार्टअप की मदद करेगी यूपी सरकार, 1.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। अब उत्तर प्रदेश में कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करने वाली छोटी यूनिट को यूपी सरकार इस पॉलिसी के माध्यम से बढ़ावा देने जा रही है। सरकार का उद्देश्य ये है कि वो देश में स्टार्टअप की रैंकिंग में टॉप 3 राज्यों में शामिल हो जाए। इस हिसाब से यूपी सरकार अब राज्य के हर जिले में एक इंक्यूबेटर समेत प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर बनाना चाहती है। इसके साथ ही यूपी में स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सेलेंस सेंटर बनाया जाना है। स्टार्टअप की ये पॉलिसी 2020 5 साल के लिए वैलिड रहेगी और इससे 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। चीन से आयात पर और कसा नकेल, 5 साल के लिए बढ़ी एंटी डंपिंग ड्यूटी। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने चीन से आयात होने वाले कुछ सामान पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा की है और इसकी वजह है भारत के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना। चीन से बढ़ते आयात का असर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग उद्योग पर कम से कम पड़े, इसके लिए भी एंटी डंपिंग ड्यूटी की मदद ली जा रही है। ट्रेड रेमिडीज महानिदेशक ने कहा कि चीन इस तरह के बहुत से सामान भारतीय बाजार में लगातार डंप कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन की डंपिंग नीति के कारण इस तरह के प्रोडक्ट की कीमत काफी कम होती है, जिससे भारतीय बाजार में ये आसानी से पैठ बना सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।